नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष पांडे और मैं आपको संविधान पढ़ा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि मैंने अभी तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संविधान सभा और संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लिया था। अब मैं शुरुआत करने चल रहा हूँ संविधान के भाग एक और अनुच्छेद एक से। भाग एक कहता है संविधान में भाग एक जो है वो कहता है भाग एक पार्ट वन में चार अनुच्छेद हैं, एक दो तीन चार, केवल चार अनुच्छेद हैं संविधान के भाग एक में, जो कहता है भाग एक संघ और राज्य क्षेत्र का नाम बताता है, संघ व क्षेत्र का नाम बताता है। जैसा कि मैं ऊपर आपको लिख के बता भी चुका हूं। अब मैं बातें करने चल रहा हूं सीधे मुद्दे पे, संविधान की अनुच्छेद एक आर्टिकल वन के बारे में मैं शुरुआत करता हूं। आर्टिकल वन मैं बायलिंगुअल पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको समस्या ना हो, आप हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए हो सकता है। अनुच्छेद एक जैसे आपको पता है, कल भी मैंने बताया था, अनुच्छेद एक कहता है इंडिया यानी भारत, ऐसे लिखा गया इंग्लिश में, इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। मैं कल आपको जब ये बताया था कि संविधान के अनुच्छेद एक में लिखा है इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा, तब मैंने एक बात बताई थी कि इसका दो मतलब है कि राज्यों के संघ का दो मतलब है। पहला कि ये राज्य जो भारतीय राज्य हैं वो संघ के साथ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, अभी कल मैंने बताया था। दूसरा पॉइंट था कि राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते, राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये आर्टिकल वन तीन प्रकार के क्षेत्रों के बारे में बताता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कहता है राज्यों के क्षेत्र संघ क्षेत्र और भारत सरकार द्वारा अधिगृहित क्षेत्र, भारत सरकार द्वारा अधिगृहित क्षेत्र, ये तीन प्रकार की बातें करते हैं। और आपको पता है, आपके लिए एक होमवर्क है, मैं एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ आपके लिए कि वर्तमान में राज्य और संघ क्षेत्रों की संख्या बताइए, इसकी संख्या आपको कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है। अगले क्लास में मैं इसके बारे में बताऊंगा। और एक चीज़ है, संविधान में राज्य और राज्य क्षेत्रों का नाम अनुसूची वन में दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ अनुच्छेद एक ये भी बता रहा है, एक इनडायरेक्ट वे में अनुच्छेद एक से ये भी पता चल रहा है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु राष्ट्र का मतलब है कि अब भारत के ऊपर किसी भी देश का, किसी भी शक्ति का कोई अधिकार नहीं है। भारत अपने विदेशिक और आंतरिक मामलों पर नियम बनाने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही साथ भारत, ये वाला पॉइंट, भारत सरकार अब किसी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में लिखा गया है, ऐसा हो सकता है। चलिए, बात हो गई एक की, अब आते हैं बात संविधान के अनुच्छेद दो पे, आर्टिकल टू के बारे में। आर्टिकल टू क्या कहता है
आर्टिकल टू कहता है संसद को यह शक्ति प्रदान करता है, आर्टिकल टू संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों या शक्तियों से नए राज्यों का गठन और प्रवेश कर सकती है। ये वाला पॉइंट देखिए, नए राज्यों का गठन और प्रवेश कर सकती है आर्टिकल टू कहता है। आर्टिकल टू ये भी कहता है कि नए राज्य का गठन और प्रवेश के पीछे बात क्या है। नए राज्य, इस वाली बात को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहीं पे लिख रहा हूँ। नए राज्य का प्रवेश और गठन से मतलब ये है कि नए राज्य, जैसे किसी क्षेत्र, किसी राज्य का निर्माण किया, जैसे किसी राज्य को काट के एक नया निर्माण किया गया, तो उससे नया राज्य बना या कोई नया राज्य बना, या संघ में शामिल किया गया, राज्य को संघ में शामिल किया, संघ को नए राज्य में शामिल किया गया। जैसे जम्मू कश्मीर को, जो अभी लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया है केंद्र शासित प्रदेश, अगर उसको नए राज्य बनाना हो तो आर्टिकल टू के तहत हो जाएगा, ठीक है। साथ ही अब इसके अलावा एक बात और है, उन राज्यों को भी शामिल करने का अधिकार आर्टिकल टू के तहत है जो अभी संघ के अंतर्गत नहीं आते, यानी अधिग्रहण करके नए क्षेत्र, नए भू क्षेत्र का अधिग्रहण करके नए राज्य का गठन करने के लिए आर्टिकल टू उत्तरदायित्व है। और उसी जगह पे आर्टिकल थ्री की अभी बात करने चल रहे हैं, आर्टिकल थ्री उन्हीं राज्यों पर लागू होता है जो राज्य, उन्हीं भू क्षेत्रों पर लागू होता है जो राज्य हैं, जो भारत संघ के हिस्सा हैं, संघ का हिस्सा है। और आर्टिकल टू कहता है संघ का हिस्सा नहीं है, उनका भी गठन कर सकता है, ठीक है। उतनी बातें हैं इसके तीन। अब देखिए तीन की बातें करते हैं। आर्टिकल तीन कहता है संसद किसी राज्य क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र से उसका क्षेत्र अलग करके या दो या दो से अधिक क्षेत्रों का अधिग्रहण करके एक नए राज्य के रूप में, या किसी राज्य का एक छोटा टुकड़ा तोड़ के एक नए राज्य बनाने में, जैसे तेलंगाना वाला उदाहरण ले लीजिए, बनाने के लिए आर्टिकल तीन कहता है नए राज्य का गठन संसद कर सकती है। इस पर भी गौर करिएगा, दोनों बातें सेम है, संसद कर सकती, संसद को यह अधिकार है, इसमें भी संसद ही बोल रहा हूं मैं, संसद कर सकती है, ठीक है। दूसरी बात है किसी राज्य क्षेत्र के सीमा का विस्तार कर सकती है, सीमा का परिवर्तन कर सकती है। अब मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि अब ट्रिपल हो रहा है। मैं आर्टिकल तीन के बारे में लिखता हूँ फिर से, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप। आर्टिकल थ्री कहता है संसद को यह अधिकार है किसी दो या दो से अधिक राज्यों का, किसी राज्य का क्षेत्र काट कर अथवा दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या किसी राज्य की सीमा परिवर्तन कर सकती है। आर्टिकल तीन के तहत संसद कर सकती, सीमा परिवर्तन कर सकती है। साथ ही साथ राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, ठीक है। ये राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है संसद। आर्टिकल तीन कहता है संसद को यह अधिकार है कि राज्य का क्षेत्र बढ़ाए या घटाए या सीमा परिवर्तन कर दे। साथ ही साथ अगर नाम परिवर्तन वाली बात आती है, नाम परिवर्तन की बात आती है, तो इसका नाम आता है। कोई बीजेपी वाला तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नाम परिवर्तन में तो बीजेपी ने मतलब ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। कुछ भी हो उसका नाम बदल दो, जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, पता नहीं क्या क्या किया गया, कितने नाम बदले गए, पता नहीं क्या खुशियां मिलती हैं लोगों को नाम बदलने से। ठीक है, ऐतिहासिक प्रमाण पत्र टाइप का मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे कितना खर्चा होता है,
अगर वही खर्चा रोजगार पे लगाया जाए तो ये बेरोजगारी का जो आलम है ये थोड़ा सा कम हो सकता है, जो अभी आरआरबी वालों ने जो वो किया ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती शायद अगर ऐसा करते तो। और तो और बीजेपी ने जो रोजगार के मामले में जितना खटिया खड़ी की है वो सब नहीं होता। ये हो गया आर्टिकल 3 के बारे में। अब आर्टिकल 4 पे आते हैं, यानी अनुच्छेद 4 मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अनुच्छेद 4 स्वयं घोषित करता है कि मेरी स्पीड अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप वो YouTube पे एक फंक्शन होता है स्पीड पुशअप कर सकते हो, इस स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हो अपने हिसाब से। आर्टिकल 4 स्वयं घोषित करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आते, 368 के तहत नहीं आते। अनुच्छेद 368 समझ रहे हैं ना, संविधान संशोधन, इसका अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन है, इसको अभी जान लीजिए, आगे की क्लास में बढ़ेंगे, अभी पहुंचने दीजिए। अभी अभी हम आर्टिकल 2 पे हैं, 4 पे हैं, अभी अनुच्छेद 368 की बातें करेंगे। फिर से देखिए, अनुच्छेद 4 स्वयं घोषित करता है कि संसद द्वारा किया गया आर्टिकल 2 और 3 के तहत संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आता है, ठीक है। और तो और ये भी जान लीजिए कि राज्यों में होने वाला परिवर्तन साधारण बहुमत से होता है। साथ ही साथ परिवर्तन के लिए एक पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, परिवर्तन के लिए राज्यों की सहमति होती है। जैसे अभी कोई भी राज्य की सीमा परिवर्तन किया जा रहा है, या सीमा परिवर्तन किया जा रहा है, या हो सकता है उसका नाम परिवर्तन किया जा रहा है, या कुछ भी आर्टिकल 2 और 3 के तहत किए गए सारे कार्य जितने भी कार्य हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए सारे संशोधन ठीक है, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से ही होगा, ठीक है, बिना पूर्व अनुमति के, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमोदन से ही होगा, राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेनी पड़ेगी तब उसको संसद के पटल पे रखा जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, ये आप नोट करके लिख सकते हो, नोट नंबर 1, ठीक है। दूसरा, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए सारे संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति 50% सहमति होती है, लेना आवश्यक होता है, राज्यों की सहमति लेना आवश्यक होता है, ठीक है, 50%। लेकिन अब यहाँ पे एक भी ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति राज्यों की सहमति माने, स्वीकार करे या अस्वीकार करे, स्वीकार करने के लिए राष्ट्रपति कोई बाध्य नहीं होता, बाध्यता नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति अगर इनसे मांगा जा रहा है सुझाव राज्यों से, मान लो 15 राज्यों ने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये संशोधन नहीं हो सकता, तब भी संशोधन हो सकता है, सहमति लेना आवश्यक है। सहमति हाँ है या नहीं है इससे मतलब नहीं है, या पूर्व जितना समय निर्धारण है उसमें भी दे दिया है, लेकिन सहमत मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, 100-100 में सीधी बात। दूसरी बात, एक पॉइंट और, अब अगर इस राज्य का जो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत आया, मान लो किसी राज्य की सीमा परिवर्तन किया गया और उसके बाद उसमें संशोधन दोबारा संशोधन उसी पे हो रहा है। यहाँ पे यूपीएससी का प्रश्न आता है, यहाँ पे आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस प्रश्न पूछता है, एसएससी, बैंक, रेलवे यहाँ तक नहीं पहुँचते। अगर किसी अनुच्छेद 2-3 के तहत कार्य किया गया है और उस अधिनियम में दोबारा संशोधन किया जा रहा है,
तो उस संशोधन के लिए राज्यों की हर बार सहमति आवश्यक नहीं है। हर बार सहमति नहीं चाहिए। ये पॉइंट आप गांठ बांध लो, ये प्रश्न नहीं आना रहता है, कहीं ना कहीं आ ही जाता है। ठीक है, बेरुबाड़ी संघ मामला, कल मैंने चर्चा किया था आपसे बेरुबाड़ी संघ मामले की, फिर से मैं लिख रहा हूँ उसी बात को। ये जो संविधान के सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेज हैं, ये इतनी इम्पॉर्टेंट है आपको पॉलिटिकली, इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते कितने इम्पॉर्टेंट है। एक बेरुबाड़ी संघ मामला 1960। आपको एक बात और बता दूं, ये बातें जो करने चल रहा हूं इसके अलावा, यूपीएससी ने, आईएएस ने, स्वयं आईएएस खुद ने कई बार डेट को लेके प्रश्न पूछा है, केशवानंद भारती केस, बेरुबाड़ी संघ या मिनरवा मिल मामले में इनको समय अनुसार सेट करिए, ऐसे प्रश्न आता है। यूपीएससी खुद पूछता है, यूपीएससी पीसीएस बार बार पूछता है ऐसे प्रश्न, इसलिए आपको ये डेट याद रखनी पड़ेगी, डेट नहीं ईयर याद करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो बात करें, बेरुबाड़ी संघ मामले में हुआ क्या कि संसद पर एक बात हो गई कि संसद का कितना अधिकार है भाई राज्यों के मामले में, संसद के अधिकार को लेके बात हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद को किसी क्षेत्र के सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन, जितना परिवर्तन है सब मंजूर है, लेकिन बात ध्यान दीजिएगा, लेकिन वह किसी क्षेत्र को दूसरे देश को नहीं दे सकते। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा, कितना भी अधिकार हो कोई अधिकार नहीं रखता कि ये दूसरे देश को दे दें। अगर यह कार्य होता है, यानी देने लेने का कार्य हो रहा है, ऐसा कार्य केवल और केवल, अगर मैथ में आप इसको पढ़े हो, इफ एंड ओनली इफ, वो केवल और केवल तभी हो सकता है जब आर्टिकल 368 में ही संशोधन किया जाए। ठीक है, आर्टिकल 368 में संशोधन के पश्चात इसको किया जा सकता है। 1969 में सीमा विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक फिर कमेंट किया कि अगर आवश्यकता पड़ती है कि किसी दो देशों के बीच में सीमा की लड़ाई हो रही है, ठीक है, किसी दो देशों के बीच में, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, इंडिया पाकिस्तान की मान लो सीमा विवाद हुआ है, सीमा विवाद के लिए कोई संसद की आवश्यकता नहीं है, सीमा विवाद के लिए हमारी कार्यपालिका नियम कानून बना सकती है। दो देशों के बीच में होने वाले सीमा विवाद को कार्यपालिका निपटा सकती है। ये आया 1969 में केस, 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेंट किया, कमेंट के माध्यम से इसको बताया। इन सब के बाद सौवां संविधान संशोधन 2015 आया, सौवां संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट 2015 में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कई क्षेत्रों का आपसी बदलाव किया गया। सौवां संविधान संशोधन उसी से संबंधित है। बस आज इतने ही, अब कल का जो वीडियो होगा, पॉलिटी का नेक्स्ट पार्ट होगा, वह होगा राज्यों का गठन और उनका विस्तार, जैसे कि यूपी का कब गठन हुआ, मध्य प्रदेश का कब गठन हुआ, आंध्र प्रदेश का कब गठन हुआ, ये सारी बातें नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो बहुत 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 अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ सबको शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करते जाइए।